नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि जिन अभ्यर्थियों के राजस्थान पुलिस के एडमिट कार्ड नहीं निकले हैं उसके बारे में ये वीडियो बताएंगे, और आज जो हम बताएंगे उससे आपके जो एडमिट कार्ड है वो निकल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। हमने दो वीडियो बना चुके हैं एडमिट कार्ड के ऊपर, एक में आपको पुलिस मुख्यालय के नंबर भी दिए थे, तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आई हैं कि जो नंबर है वो लग नहीं रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, नंबर है वो लग रहा है, मैंने कल भी ट्राई किया था। लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसमें आपकी जो SSO ID है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बगैर SSO ID ही आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है ये सारी जानकारी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद में आप ये वेबसाइट देख रहे हो, देखिए ऊपर ही ऊपर http://police.rajasthan.gov.in, इस पर क्लिक करना है। ये वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, वहाँ से सीधा क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड है वो निकाल लीजिए। इतना आप गूगल सर्च बॉक्स में लिखने के बाद में सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं राजस्थान पुलिस लिखा रहा है, सिर्फ राजस्थान पुलिस, इस पर आपको क्लिक कर देना है एक बार, ठीक है। क्लिक करने के बाद में देखिए रेड कलर में आ रहा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2018 डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है। इसके ऊपर एक बार आपको क्लिक करना है, और जैसे ही एक बार आप क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो ओपन होगा, एक नई विंडो ओपन होगी आपके पास में। आप देखेंगे तो साइड में आपको दिखाई देगा व्यू एप्लीकेशन, गेट एडमिट कार्ड, लॉगिन, ये चीज़ें हैं वो दिखाई देगी आपको। तो इसमें आपको करना क्या कि गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है एक बार, ठीक है। गेट एडमिट कार्ड, ओके। गेट एडमिट कार्ड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एडमिट कार्ड फोर, ये देखिए ये जो बॉक्स आ रहे हैं इसमें आपको जो पहला बॉक्स है ये, इसमें आपको मेन एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। प्री एग्ज़ाम पे ये क्लिक है, इसको आपको मेन एग्ज़ाम पे लाना है, तो मेन एग्ज़ाम पे इसको क्लिक कर देना है। अब नीचे लिखा है कि इंटर एप्लीकेशन नंबर, तो आपने अपना फॉर्म अप्लाई करवाया था किसी मित्र CSC की दुकान से, वहाँ से आपको फॉर्म का प्रिंट आउट मिला था, प्रिंट आउट जो मिला है उसके ऊपर जो फॉर्म के ऊपर आपकी एप्लीकेशन ID के नाम से कुछ नंबर्स हैं, वो एप्लीकेशन नंबर इसमें डालना आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मेरा नंबर डाल करके आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि यहाँ से भी एडमिट कार्ड हम बगैर SSO ID से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, एप्लीकेशन नंबर जैसे ही डालोगे तो नीचे के बॉक्स में आओगे, नीचे के बॉक्स में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, जो फॉर्म में आपने लगाई है सही सही डेट ऑफ बर्थ डालना है, वरना आपका एडमिट कार्ड है वो नहीं निकलेगा। नीचे के बॉक्स में डालना है आपको ये अपना कैप्चा कोड, जो नीचे एक बॉक्स में आएगा इससे आपको देख करके ऊपर के बॉक्स में डालना है। इतना सारा ये करने के बाद में गेट एडमिट कार्ड आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा एडमिट कार्ड यहाँ पे आ चुका है बगैर SSO ID के। तो अब जिन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड नहीं निकला है, जो SSO ID के पासवर्ड या SSO ID खुद SSO ID भूल गए हैं, तो उसको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस प्रकार से अपना एप्लीकेशन ID नंबर डाल करके अभी अपना जो एडमिट कार्ड है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी कमेंट्स आ रही है कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, हम SSO ID भूल गए। तो आप इस अगर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे तो वो भी अपना एडमिट कार्ड है वो निकाल सकते हैं। हमने 2-3 वीडियो एडमिट कार्ड पे बना दिए हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी अपना भाई, यानी कि हम भी तैयारी करते हैं, आप भी तैयारी करते हो, कोई भी अपना भाई परीक्षा से वंचित ना रहे।
इसीलिए हमने 3-4 वीडियो बना दिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।